हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। आज हम करने लगे हैं अपने घर शिफ्ट, दूसरी बिल्डिंग मतलब दूसरे घर जा रहे हैं। तो पैकिंग चेकिंग कर रही थी मैं, पूरा घर का कबाड़ा हुआ हुआ है। आज शादी का नेक्स्ट डे, मतलब शादी ख़त्म हुई थी उसी के अगले दिन हमने अपने घर की शिफ्टिंग करनी थी। तो ज़्यादा कुछ हमने नहीं किया हुआ था, बस थोड़ा सा किचन का सामान रखा था जो यूज़ में नहीं था। फिर आज मैं जल्दी उठ के 12 बजे से मैं कर रही हूँ काम। और ये कुछ सिचुएशन है, कबाड़ा मचा हुआ है पूरा का पूरा। ये वाला भी रूम फुल कबाड़ा बना हुआ है। किचन तो फिलहाल किचन भी करना है, अभी पूरा समेटना है। दिखने में तो ऐसा लगता है कि बहुत कम सामान है, लेकिन जब निकालने में आए, क्योंकि हमारा फर्निश्ड अपार्टमेंट था, हमें फर्नीचर मिला वही था, अभी जिसमें जा रहे हैं उसमें भी फर्नीचर है तो फर्निश्ड ही है। बस ये है कि जो हमने कपड़े शपड़े हैं, बर्तन है, किचन है, वॉशरूम की चीज़ें, वॉशरूम में भी क्या चीज़ें, कुछ भी नहीं है। बस यही है कि कपड़े हैं और बर्तन, ये वाली चीज़ों ने ही ना खपा दिया है। टाइम शॉर्ट है, 3-4 घंटे में हम चले जाएंगे। मैं दूसरी बिल्डिंग में दिखाऊंगी, हमारे मोहल्ले में ही है तो मैं वो भी दिखाऊंगी। फाइनली हमारा सारा का सारा सामान चला गया है, यहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं, हम जाते हुए लेते हुए जाएंगे। बाकी आई विल मिस दिस मिरर। सो मुझे सबसे ज़्यादा जो याद आएगा वो ये शीशा याद आएगा। तू ये मुझे तंग नहीं करो, मम्मा का बेटा। चलो भाई चलो, अल्लाह हाफिज। ये वाली लाइट भी मुझे बहुत याद आएगी। बाय। यार हम लोगों ने अपनी शिफ्टिंग कर ली थी और मैंने उसके बाद बिल्कुल बस इधर उधर कामों में ही लगी हुई थी, बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं हुई कुछ व्लॉग करने की। और मैंने कल चाय भी नहीं पी थी, यहाँ पे थोड़ा बहुत गैस का मसला हो गया था तो वो रात में जाके सॉल्व हुआ। फिर पूरा यहाँ भी मैस अभी क्रिएट हुआ है, मैंने कुछ थोड़ा करके ही करूँगी, एकदम तो मैं नहीं कर सकती, थोड़ा करके करूँगी। मैं दिखाती हूँ, यहाँ भी पूरा कचरा बन गया है घर, तो ये वाला काम भी करना है। और सडन हम लोग को ना वलीमे की इनविटेशन आई है तो उसमें भी जाना है। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि मैं चाय पी के फिर मैं बताती हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं कपड़े अपने कैसे निकालूँगी, इतना वहाँ पर गंद मच गया है ना कि बस। अभी फ़िलहाल इस वाले रूम में हमने अपना कचरा तो नहीं, हमने अपना सामान डाला हुआ है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हुआ हुआ है। और इस में से मुझे उस बैग में से अपने और अलग अलग बैग से हम तीनों के कपड़े निकालने हैं, कैसे होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे आहिल सो रहा है तो मैं इस कबाड़े को तो सही नहीं करूँगी, लेकिन अपने कपड़े मैं निकाल लेती हूँ। फाइनली गाइस, यहाँ पे मेरे कपड़े इस्त्री हो गए हैं और आहिल के भी कपड़े इस्त्री हो गए हैं और आहिल साहब भी उठ गए हैं। मैंने ये बैग्स निकाल लिए थे, इनमें ही सामान था तो बस मैंने ना यहीं पे मैं ले आई थी इस वाले रूम में। आई एम रेडी टू गो। ये मेरा फिलहाल मेरा यही है। ये 3 डब्बों का मैंने सामान रख दिया है, अभी बचे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1, 2 तीसरा बैग का है, 2 बैग और हैं वो बचे हैं उस रूम में। तो भाई कल मंडे वाले दिन अच्छा खासा काम किया था मंडे को,
उससे पहले वाले दिन जैसे हम गए थे उस दिन तो कुछ भी नहीं हो पाया था, तो मंडे को हमने काम किया था। ये मैंने कपड़े सारे निकाल के अलमारी में सेट कर दिए, और ये कुछ ये इन डब्बों में जो सामान है ना वो उसकी हमारे पास अभी जगह नहीं है सामान रखने की, मतलब किचन का ही है ये सारा। यहाँ पे कैबिनेट्स थोड़े से कम हैं तो उसकी वजह से ना चीज़ें आ नहीं, तो हम इसको भी बाद में सॉर्ट करेंगे, पहले ये जो कचरा बना हुआ है ना ये पहले सेट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आज मेरी कोशिश होगी कि आज ये ख़त्म हो जाए बस ये वाला भी कबाड़ा, तो ये करके फिर मैं दिखाती हूँ। फाइनली ये वाला रूम भी मैंने ठिकाने लगा दिया है। आज सैटरडे है और पूरा एक हफ्ता हो गया है मैं शिफ्ट हुए हुए, और बस यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सामान था जो रखा हुआ था, ये मैंने सब समेटा था। ये आहिल साहब ने ना सारी शॉपर्स निकाल के बाहर डाल दिए हैं, बाकी मैंने यहाँ पे वो सामान रखा हुआ है जो हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है, और अपनी कबर्ड में सारे कपड़े शपड़े, और यहाँ पे बस ये आहिल के कुछ कपड़े सूखे थे तो मैंने यहीं डाल दिए थे। मतलब ये वाला रूम हमारे लिए एक्स्ट्रा है, लेकिन फिर भी इसको समेटना ही रखना है मुझे। लेकिन क्योंकि ना ऐसा होता है कि जो फर्निश्ड होते हैं ना घर, उसमें ना आपको पहले आप जिस घर में रहते हो उसमें चीज़ें ऑर्गेनाइज की हुई थी उसके हिसाब से वहाँ पे जो सेटिंग बनी हुई थी, अब यहाँ आके ना कुछ ऑर्गेनाइजर्स ही नहीं है, मतलब कम है, किचन में भी कम है, तो उसकी वजह से ना हमारे घर का एक्स्ट्रा बहुत सारा सामान ना अभी डब्बों में ही है, वो हम आहिस्ता आहिस्ता हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे। लेकिन सेटिंग मैंने कर दी है, अब फाइनली घर सेट हो गया है। अब मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए चाय। किचन ऐसा है, किचन में पहले सारे बर्तन कैबिनेट में होते थे, अभी कैबिनेट्स में पास सिर्फ यही है, तो मैंने ना बाकी ये अभी सेट किया हुआ है, बाकी मैं बनाने लगी हूँ चाय। ऑल्सो आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है और मज़ा ही आ रहा है, धुलाई चल रही है। आज फ़खर फुल फॉर्म में आए हुए हैं, और हमारे इस घर में टीवी भी नहीं है फिलहाल, तो हम अपने फ़ोन में कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं 2 मिनट मैच के वहाँ देखने गई, यहाँ पे चाय की खेती की हालत ही पूरी तहीन हो गई। मज़ा ही आ रहा है आज तो, मैच कमाल का हो रहा है। पहले हमारा घर उस लंबी वाली बिल्डिंग में था जो ये वाली बिल्डिंग में, और सबसे नीचे था। अब हमारा घर सबसे ऊपर है टॉप फ्लोर पे, और महल्ले में ही है। तो गाइस फाइनली घर जितना सेट हो सकता था मैंने कर दिया, और थोड़ा बहुत मैंने दिखा भी दिया। एक ही रूम में सारा गंद था, वो मैंने सारा का सारा सेट कर दिया। अभी ये सीन है कि जितनी हमारे पास चीज़ें थी उसमें चीज़ें सेट हो गई। अब जो बाकी डब्बों में सामान है उसके लिए हमें चीज़ें लेनी पड़ेंगी, क्योंकि कोई बात नहीं, हर घर में एडजस्ट होना पड़ता है आपको। कोई किसी घर में कुछ मसला होता है, किसी घर में कुछ मसला होता है, फर्निश्ड में मोस्टली होता है ऐसा, तो हर घर में एडजस्ट होना पड़ता है। तो फिलहाल हमारे पास कुछ चीज़ें नहीं है, वो हम लेते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और फिर जैसे ही सब कुछ कंप्लीट होगा, घर में से सारे डब्बे ख़त्म होके ऑर्गेनाइजर्स में चीज़ें चली जाएंगी, तब मैं दूंगी अपने घर का होम टूर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ऑल्सो गाइस, पाकिस्तान आज न्यूजीलैंड से जीत गया, फ़खर जमान की परफॉर्मेंस थी एक। दूसरा बारिश हो गई जिसकी वजह से आगे प्लेयर्स ने नहीं खेला, अगर आगे प्लेयर्स खेलते तो धड़ धड़ एक के बाद एक विकेट गिरती रहती, जैसे कि तुम लोगों को पता है सारे मैचेस में ऐसा ही हुआ है, इसमें भी होता है, लेकिन अल्लाह ने फिर बचा लिया दुआओं की वजह से, तुम लोगों की बारिश
ने फिर पाकिस्तान को बचा लिया। फिर ये वही चांस आ गया कि अब दो मैच अफगानिस्तान हारे, एक मैच न्यूजीलैंड हारे और एक मैच इंडिया हारे, एक एक करके सारे हारो तो पाकिस्तान चौथे नंबर पे पहुंचे और फिर उसका सेमीफाइनल में वो मैच इंडिया के साथ। गियाहिल साहब ने क्या किया, ये जो ना करे वो कम है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। Till then, tata, bye bye, Allah Hafiz.